जागोरे 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 भाई जागो ना बह जाए जल सारा। आओ साथी मिलजुल कर हम रोक लिए जल धारा जल सारा मैं आकाश अपने वादे के अनुसार फिर आया हूँ आपको सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के जल संचय की गाथा सुनाने। पिछले सप्ताह के सूत्र पर एक नजर। खोपाला गांव में खुशहाली छाने लगी थी। श्री मथुर भाई ने इस अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में एक पदयात्रा की योजना बनाई और निर्णय लिया गया कि यह पदयात्रा गडड़ा तालुका के भीमडाग गांव से प्रारंभ होकर महुआ तालुका के भादरौड़ गांव में समाप्त होगी। सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट ने 1 नवंबर से 5 नवंबर सन 2000 में 5 महासम्मेलनों का आयोजन किया। मथुर भाई ने सौराष्ट्र के बचे हुए क्षेत्रों में भी एक और पदयात्रा करने का निर्णय लिया, जो मोरारी बापू के गाँव तल गाजरड़ा से प्रारंभ होकर गांधी बापू की जन्म स्थली पोरबंदर में समाप्त हुई। मैं आकाश हूँ। समय के साथ करोड़ों वर्षों से संसार में हो रही घटनाओं का मूक साक्षी, आज से आपका साक्षात्कार कुछ ऐसे गांव और वहां की घटनाओं से करवाऊंगा जो केवल दर्शनीय ही नहीं विचारणीय भी है। इस सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के महाअभियान जल संचय की लहर गांव गांव पहुंच चुकी थी। आज से मैं आपको उन गांवों और तालुकों की वो कथाएं सुनाऊंगा और दिखाऊंगा जहां पानी से परिवर्तन हुए हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं भावनगर जिले की गडड़ा तालुका के गांव विकलिया। खोपाला चेक डैम मॉडल की सफलता की चर्चाएं विकलिया गांव में पहुंच चुकी थी। यहां गांव वासियों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा था, क्योंकि जो समस्याएं खोपाला में थी वैसी ही समस्याओं से विकलिया गांव के किसान और गांव वाले भी जूझ रहे थे। गांव की दशा पानी की कमी और अकाल के कारण दयनीय थी। गांव की महिलाएं दूर दूर से पानी भरकर लाती थीं। जल संचय योजना की खोपाला गांव में हुई सफलता को देखते हुए गांव के वरिष्ठ लोगों ने एकजुट होकर विकलिया में भी इस योजना को अंजाम देने का निर्णय लिया। और फिर आई जन्माष्टमी। श्री कृष्ण के जन्म दिवस के पावन अवसर पर इन सभी गांव वालों ने एक मत होकर ये निर्णय लिया कि पहले सभी खोपाला गांव जाकर परिवर्तनों को देखेंगे और फिर जलधारा ट्रस्ट को विकलिया क्षेत्र में जल संचय अभियान के लिए आमंत्रित करेंगे। फिर सभी ने खोपाला का रुख किया। खोपाला गाँव उस समय हर प्रकार से समृद्ध गाँवों में से एक था। चारों ओर हरियाली, सभी तालाबों और कुओं का बड़ा हुआ जल स्तर और वहां छाई हुई खुशहाली को देखकर ये सभी भाव विभोर हो गए और विकलिया गांव वासियों ने सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट को अपने गांव में आमंत्रित किया। स्वयं मथुर भाई अपने सहयोगियों के साथ विकलिया गांव पहुंचे। वहां के निवासी उत्साहित थे। अब इस गाँव में भी जल संचय अभियान का प्रारंभ हो चुका था। गांव कमेटी, सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट और सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे गांव का सर्वे किया और हर प्रकार की पड़ताल और तकनीकी जानकारियों के बाद तय पाया गया कि विकलिया में लगभग 108 चेक डैमों की आवश्यकता है और इसके लिए श्रमदान और लोक भागीदारी के लिए संपूर्ण गांव को प्रोत्साहित करना आवश्यक था और मानो संपूर्ण गाँव अपना सहयोग देने को उमड़ पड़ा था। समाज के सभी वर्गों ने पैसों से भी योगदान दिया। श्रमदान के लिए उस समय सभी लोग अभिभूत हो गए जब मथुर भाई पास की हरिजन बस्ती में गए और वहां के लोगों के साथ जलपान किया। इस वर्ग के लोगों ने चेक डैम बनवाने में लगभग 4 लाख रुपयों से भी अधिक का श्रमदान किया। यहां इस गांव की एक वृद्धा अम्बा माँ की कथा अपने आप में एक उदाहरण बन गई। 6 बेटियों की माँ अम्बा ने अपनी मरण मोड़ी
अर्थात मृत्यु के पश्चात क्रिया कर्म और मृत्यु भोज के लिए अपने पूरे जीवन में 101,000 रुपए जोड़े थे। ये रकम उसने गांव वालों को दे दी थी, ये कहकर कि मरण मोड़ी में तो ये पैसा सिर्फ मुझ पर खर्च होगा, किंतु चेक डैम बना तो पूरे गांव की भलाई में लगेगा ये पैसा। गांव की भलाई में सभी का हित है, मेरा भी, गांव का भी। महान थी अम्बा माँ। और जब चेक डैम बना तो उस पर अम्बा माँ का नाम रुपहले अक्षरों में लिखा गया। सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के इस अभियान से एक मजदूर महिला दूधी माँ इस कदर प्रभावित हुई कि श्रम दान में उसने अपने जीवन भर की पूंजी जो उसने मजदूरी कर करके जमा की थी, गांव की खुशहाली और चेक डैम के निर्माण कार्य के लिए दान कर दी। इस कार्य को आरंभ करने के लिए वे लोग भी आगे आए जो कि विकलिया को छोड़कर भावनगर, सूरत और अन्य शहरों में जाकर बस गए थे। उन सब ने अपने गांव के लिए 18 लाख रुपए की राशि जमा की। स्वयं मथुर भाई ने गांव वालों के उत्साह को देखते हुए अपने ट्रस्ट की ओर से 2000 बोरियां सीमेंट की देने का वादा किया। सभी लोग बेहद खुश थे। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। पूरे विकलिया गांव में 108 चेक डैम बनने थे, किंतु अथक परिश्रम, लोक भागीदारी एवं गांव वालों के योगदान के बावजूद जो पैसा इकट्ठा हुआ उससे अधिक से अधिक 75 चेक डैम ही बन सकते थे और शेष चेक डैम सरकार की 60-40 की योजना के अंतर्गत बनाए गए। वही है जिंदा, गरजते बादल, सुलगते सूरज और छलकती नदियों के साथ है जो साकार करता हुआ अपने सपने, अपने ख्वाब, हर मौसम में, धूप में, बरसात में, मेहनत और लगन के साथ है जो। जहां लगन है कुछ कर दिखाने की, वहां परिणाम है, सफलता है। और फिर विकलिया गांव में चेक डैम बनने का कार्य आरंभ हुआ। पूरा गांव एक साथ था। लोक भागीदारी का पैसा जमा हो चुका था। एक गांव कमेटी बनाई गई जिसने सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट से तकनीकी सहायता एवं जेसीबी मशीनों के लिए आग्रह किया। सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट की देखरेख में जगह जगह तालाबों की एवं चेक डैमों की नींव की खुदाई का काम आरंभ हुआ। इसके लिए सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट ने अधिक से अधिक समय के लिए ज्यादा जेसीबी मशीनें उपलब्ध करवाई। गांव में इस कार्य को इतना सहयोग मिल रहा था कि गोविंद भाई नामक निवासी ने अपनी ओर से जेसीबी मशीनों के 100 घंटों तक चलने का खर्चा उठाने की घोषणा की। सभी किसानों एवं गांव वालों को एकजुट होकर काम करते देखना बेहद सुखद लगता था। श्रमदान करने आए मजदूरों की सभी आवश्यकताओं का ध्यान उन खेतों के किसान स्वयं रख रहे थे। सबके चाय पानी की व्यवस्था भी यही लोग कर रहे थे। मिलजुल कर कार्य करने एवं एक दूसरे का हाथ बटाने के दृश्य देखते ही बनते थे। ये अपने आप में अनोखी मिसाल थे। और जल संचय के इस अभूतपूर्व कार्य को देखने आसपास के शहरों और गांवों से लोग विकलिया गांव में आने लगे। उन्हीं में से विदेश से आए श्री रमेश भाई मेहता एवं उनकी पत्नी आशा बेन ने 1 लाख रुपए इस शुभ कार्य के लिए अपनी तरफ से देने का फैसला किया। उनके अतिरिक्त श्री मंजी भाई रूड़ा भाई ने भी 51,000 रुपए का योगदान दिया। और फिर कुछ ही समय में सभी चेक डैम बनकर तैयार हो गए थे। इंतजार था तो बरखा का, सभी लोग बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। बरसात का आगमन हुआ, बरखा से सभी चेक डैम पानी से लबालब भर गए। गांव भर में उत्सव मनाया जा रहा था। खेतों में हल चल रहे थे, बीज डाले जा रहे थे, हर तरफ आनंद का माहौल था। कोई सवाल बिना मेहनत के हल नहीं होता, अगर हो हौसला दिल में तो फिर क्या नहीं होता। और विकलिया गांव के लोगों की मेहनत और लगन ने उन्हें और उनके सपनों को साकार किया। उनकी मेहनत रंग लाई। और जब नई फसल आई तो हर तरफ खेत लहलहा रहे थे। इस बार गांव में रिकॉर्ड पैदावार हुई थी। इस वर्षा के बाद कपास और मूंगफली की रिकॉर्ड उपज दर्ज की गई। शहर की मंडी में कपास अच्छे दामों में बिका, जिससे गांव के किसानों को सीधा लाभ मिला। विकलिया में मूंगफली की पैदावार अच्छी हुई थी,
पर उसकी कीमत अच्छी नहीं मिल रही थी। ये एक नई समस्या थी और सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट ने इस समस्या का निदान भी कर दिया। ट्रस्ट की ओर से एक तेल निकालने की मशीन लगाने का निर्णय लिया गया। मशीन लगाई गई और पूजा पाठ के साथ उसका मुहूर्त हुआ और मशीन ने काम आरंभ किया। जल्द ही गांव वालों को सस्ते दामों में मूंगफली का तेल मिलने लगा और किसानों को भी फसल की उचित कीमत मिलने लगी। लेकिन अब एक और नई समस्या खड़ी हो गई थी। हालांकि सारे डैम भर चुके थे और गांव खुशहाल हो रहा था, तब भी बोरवेल में से पानी नहीं आ रहा था। उसी समय चेक डैम का अनावरण करने के लिए मथुर भाई का आगमन विकलिया में हुआ। उन्होंने इस परेशानी को सुना और अपनी तकनीकी टीम से इस परेशानी का हल ढूंढने को कहा। तकनीकी टीम को शोध के बाद पता चला कि सूखे के दिनों में लोगों ने बोरवेल 500-600 फीट तक खुदवाए थे, लेकिन चेक डैम भरने से अब पानी का स्तर ऊपर आ गया था। इसलिए अब पानी के बोरवेल का लेवल 100 या 200 फीट ही रखा जाना चाहिए था। जब इस बात पर लोगों ने अमल किया तो वाकई में बोरवेल से पानी आने लगा, और वो भी मीठा पानी। गांव के सभी लोग बेहद खुश थे। चलो चले सूने गांव में पावन प्रभा को जगाने, अपने श्रम से मरुधरती में हरियाली उपजाने। जल संचय अभियान विकलिया गांव में पूरी तरह सफल था। अब इस जागरण की मशाल को आगे बढ़ाना था, पर कैसे? इस जल संचय अभियान की सफलता के बाद गांव की विकलिया जल संघर्ष समिति ने सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट से विकलिया में एक सम्मेलन आयोजित करने की इच्छा व्यक्त की, और फिर दिनांक 18 अगस्त 2001 को हरे भरे गांव विकलिया में सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। विशाल जनसमूह के साथ इस सम्मेलन में केवल विकलिया के ही नहीं, आसपास के गांवों से भी हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अभी तक 150 गांवों में काम कर चुके जुझारू कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए श्री केशुभाई पटेल ने जल क्रांति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया, और मोरारी बापू के कर कमलों द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र बांटे गए। श्री केशुभाई पटेल ने इस महाअभियान को सराहते हुए अपने भाषण में कहा, पूरे सौराष्ट्र में कई वर्षों तक सूखा पड़ा। सभी के समक्ष केवल एक ही प्रश्न था, जल, पानी। ऐसे कठिन समय में मथुर भाई ने अपने गांव खोपाला में जल संचय का महान कार्य कर दिखाया। अभी तक इस ट्रस्ट ने 4-5 हजार चेक डैम बनाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आंकड़ा जल्दी ही 6-7 हजार से ऊपर पहुंच जाएगा। विकलिया गांव में बने 108 चेक डैमों के संदर्भ में श्री केशुभाई पटेल ने कहा, मैंने सुना है कि विकलिया गांव में 108 चेक डैम बने हैं। यह एक शुभ संख्या है। ईश्वर को याद करते हुए हम जो माला जपते हैं, उसके मनकों की संख्या भी 108 होती है। मथुर भाई जल संचय करके क्रांति ला रहे हैं। मैं उसे क्रांति नहीं बल्कि महा जल क्रांति कहूंगा। सरदार पटेल जल संचय योजना के लिए मैं 600 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ, और केशुभाई पटेल की इस घोषणा से सारा गांव अभिभूत हो गया। सभी ने खड़े होकर तालियों से इस घोषणा का स्वागत किया। मोरारी बापू ने तिलक लगाकर श्री केशुभाई पटेल का अभिवादन किया, पूजन हुआ, और अपने आशीर्वचन में मोरारी बापू ने कहा, हिमालय की चोटी पर एक सरोवर है जिसका जिक्र वेदों में भी आया है। मैंने जब उस सरोवर में स्नान करने की इच्छा प्रकट की, मुझे उसकी आज्ञा मिल गई थी। मैं बहुत प्रसन्न हुआ था। आज भी मुझे वैसा ही लग रहा है। मुझे इस विकलिया गांव के चेक डैम में भी स्नान करके बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। इसके आगे मुरारी बापू ने कहा, आप जानते ही हैं कि जल ही जीवन है। मेरे अनुसार तो जल पंचामृत है। पहला अमृत हमारा मैल धोता है, दूसरा फसल उगाता है, तीसरा प्यास बुझाता है, चौथा हमें पवित्र करता है, और पांचवा अमृत हमारी थकान दूर करके हमें श्रम मुक्त करता है। श्रम से मुझे दुष्यंत कुमार जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि तमाम जिस्म
मेरा बोझ से दोहरा हुआ होता, पर वाखु शरीर बोझ में जीते बेवड़ बड़ी गई। तमाम जिस्म मेरा बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में न था जनाब, आपको धोखा हुआ होगा। और इस समारोह के पश्चात मथुर भाई के साथ स्वयं मुरारी बापू, केशु भाई पटेल सहित चेक डैम गए। वहां उन सब ने स्नान किया। पूरे गांव में उल्हास और आनंद की लहर थी। विकलिया आज पूर्ण रूप से समृद्ध एवं खुशहाल गांव है। उसकी गणना एक हरे भरे गांव के रूप में होती है। सन 2007 में जब कई वर्षों पश्चात जन्माष्टमी के अवसर पर मथुर भाई विकलिया गांव आए, तो पूरे गांव ने उनका भव्य स्वागत किया, सम्मान किया। मथुर भाई पुराने क्षणों की यादों में खो गए। उन्होंने गांव वालों को संबोधित करते हुए बधाई दी अपने गांव की तरक्की के प्रति अपनी लगन एवं निष्ठा दिखाने के लिए। मथुर भाई प्रसन्न हैं कि विकलिया गांव आज जल संचय के क्षेत्र में अपने आप में एक उदाहरण बन गया है। ये कथा थी विकलिया गांव की, उस गांव के कर्मठ नागरिकों, किसानों और श्रमदान के प्रति समर्पित अंबा माँ और दूधी माँ जैसी नारियों की, जिन्होंने सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के सहयोग से अपने गांव को नव जीवन दिया, जल संचय दिया और खुशहाल बनाया। आज यहां हरे भरे खेत लहला रहे हैं और जनमानस जल संचय का लाभ उठा रहे हैं। हर तरफ हो खुशियां, हो हर जगह मुस्कान, आओ आगे बढ़े, कुछ करें, बनाएं, सजाएं और सवारें अपना गुलिस्तान। अगले सप्ताह आपको एक नए गांव में ले चलूंगा, एक नई सोच और नई कथा के साथ। यदि आप भी अपने गांव, प्रांत, राज्य, शहर, देश एवं प्रदेश में जल संचय का काम करना चाहते हैं और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो हमें इस पते पर संपर्क करें। सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट, 302 सरदार कॉम्प्लेक्स, सवानी ब्रदर्स के बाजू में, कतारगाम रोड, सूरत, गुजरात। फोन नंबर है 02612532153, 09426454588।